तो आ जाएगी मेरे पास दो ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने वाले टावर स्पीकर। पर गाइस फर्क इनमें से बस इतना है कि ये गाइस जो ना मार्केट से खरीदा हुआ है एंड गाइस ये आपके भाई ने बनाया है, ठीक है। और इसका साइज इसके मुकाबले में काफी ज्यादा, देखो यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखो भाई साहब कितना पतलू सा, ठीक है मतलब। और ये देखो भाई साहब कितना ज्यादा हट्टा कट्टा है। और इसके अंदर दोनों के अंदर आज हम फाइट कराने वाले, जी हाँ गाइस, और देखने वाले इनमें से कौन सा टावर स्पीकर ज्यादा तगड़ा है, किसको हमें मतलब बनाना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए। बहुत ही मजा आने वाला है। एंड हेलो गाइस, तो फिर कैसे आप लोग, आई होप एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। एंड वेलकम आपका हमारे कोरदाजनी फ्रेश ब्लॉग के अंदर। यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई के यार फटाफट से 10,000 सब्सक्राइबर करवाओ यार। कब से हम मतलब 3-4 हजार सब्सक्राइबर बैठ के रहेंगे, ठीक है। फटाफट से 10,000 करवाओ एंड मैं आपके लिए फिर और भी तगड़ी तगड़ी चीजें लेके आऊंगा, ठीक है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, मतलब शुरू करते हैं यार वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मैंने घर पे बनाया है जिसका कि आपने सारे व्लॉग्स देख लिए होंगे। एंड गाइस ये आपके भाई ने खरीदा था काफी टाइम, मतलब बहुत टाइम हो गया, ठीक है। और इन दोनों का साउंड कंपैरिजन भी करेंगे, इनके अंदर क्या क्या आइटमें लगी हैं उसका भी कंपैरिजन करेंगे। तो चलो फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर बता दूं मैं आपको, 4 इंच के स्पीकर लगा रखे हैं दो, और एक नीचे में बेस के लिए पाइप लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 6 इंच का एक सबवूफर है। थोड़ी सी फ्लैश लाइट जला लेता हूँ, थोड़ी सी का पूरी जलाऊंगा ना, खराब हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है 6 इंच का सबवूफर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक ब्लूटूथ पैनल लगा हुआ है। पीछे मैं आपको दिखा दूं तो इस तरफ ही घुमा लेता हूं, तो यहाँ पे एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए, यहाँ पे आप इसको ऑक्स से चला सकते हो, और यहाँ पे आप दो स्पीकर भी मतलब दो ट्विटर भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक पावर का स्विच है, और उसके बाद यहाँ पे इसका वायर है, ठीक है। तो ठीक है, ये इस टाइप का दिखने वाला है। और इसकी डायमेंशन वगैरह क्या है ना, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इस टाइप से ये देखो भाई साहब अप्रोक्स 6 इंच का इसकी चौड़ाई है, और इस टाइप से देखो यहाँ, अरे यार इस टाइप से भाई साहब आप देख सकते हो यहाँ पे 8 इंच है, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है ये देख सकते हो, इसकी हाइट है भाई साहब ये देख सकते हो अप्रोक्स 39, ठीक है। अप्रोक्स यहाँ पे 39 इंच है इसकी हाइट। और अब बारी है इसकी, तो इसकी यहाँ पे पहले मैं आपको ये स्पीकर तो बता दूं, तो यहाँ पे इसके अंदर 4-4 इंच के दो स्पीकर है, और उसके बाद बेस का पाइप है, साइड में सेम इसके अंदर सबवूफर है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद ब्लूटूथ पैनल है, 2 कंट्रोलर फ्रंट में, इसकी बैक साइड में, ठीक है। और इसके पीछे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ वायर है, तो एकदम मस्त है। और अभी इसका बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो ना हाइट देख सकते हो, यहाँ पे इसकी हाइट है भाई साहब 41 इंच, ठीक है। तो 41 इंच की इसकी हाइट है, और इसकी जो है ना कुछ इस टाइप से ये देख सकते हो आप यहाँ पे अप्रोक्स 8.5 इंच, ठीक है। और जितनी भाई साहब इसकी ये वाली चौड़ाई है ना, उतनी तो भाई साहब इसकी फ्रंट की चौड़ाई है। और उसके बाद इस टाइप से भाई साहब ये 10 इंच का, अरे भाई साहब इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना हट्टा कट्टा, और ये काफी पतलू सा एकदम दिखने वाला, ठीक है। ये देखो, और ये देखो भाई साहब काफी जबरदस्त है ना, और इसीलिए इसके अंदर जो ना बेस क्वालिटी काफी अच्छी है। और वो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोनों का साउंड अलग अलग चला के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी चला के, एंड साउंड पंजाबी हिंदी ऐसे म्यूजिक वगैरह चला के दिखाऊंगा। चलो फटाफट से यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कौन कौन से एम्पलीफायर बोर्ड लगा रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे गाइस जो ना इस वाले मार्केट से लगे हुए एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर नहीं, टावर स्पीकर के अंदर गाइस लगा हुआ है 20-30 का लगा हुआ था, बढ़ गई वो खराब हो गया, क्योंकि भाई साहब ये काफी टाइम हो गया इसको यूज करते करते, तो इसके आईसी वगैरह खराब हो गए थे। फिर गई मैंने इसका एम्पलीफायर बोर्ड ही चेंज कर दी, क्योंकि और भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो फिर मैंने इसके अंदर 20-50 का एम्पलीफायर बोर्ड लगा दिया, ठीक है। तो मतलब आप मान सकते हो इसके अंदर 20-30 लगा आया था, ठीक है, और इसीलिए इसका बेस थोड़ा सा कम था, बट 20-50 लगाने के बाद इसका बेस काफी अच्छा हो चुका है। और इसके अंदर तो मैंने बनाते वक्त ही 20-50 लगा दिया, तो भाई साहब इसका तो साउंड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। आपको दोनों का बता दिया, इसके अंदर 20-30 पहले लगा हुआ था और मैंने बाद में 20-50 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 20-50 का एम्पलीफायर बोर्ड का आउटपुट वाटेज जो है ना वो ज्यादा रहता है 20-30 के मुकाबले में, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया इसका बेसिक यहाँ पे कंपैरिजन। अब बात आती है गाइस यहाँ पे इसके प्राइस की, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारे मार्केट से लाए हुए टावर स्पीकर की। तो ये गाइस जो ना लगभग मैंने बहुत साल पहले खरीदा था, और ये अप्रोक्स खरीदा था मैंने 4,000 के अप्रोक्स, 4-4.5 हजार रुपए का खरीदा था।
जो कि भाई साहब यहाँ पे महंगा है, बहुत ही महंगा है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे ये मैंने ना बहुत ही सस्ते के अंदर बनाया, ये मैंने बनाया सिर्फ 1500 से 2000 रुपए के खर्चे के अंदर। जी हाँ गाइस, और इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ा, मतलब गाइस जितने का ये है ना उतने भाई साहब ऐसे दो बन जाएंगे। तो वो लोग यहाँ पे नीचे उतार दिए, और अभी यहाँ पे लुक भी काफी अच्छा है और साउंड क्वालिटी का भी अच्छे से आपको पता चलेगा। और साउंड क्वालिटी टेस्ट करने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि प्लीज ईयरफोन वगैरह और हेडफोन यूज करना, तो आपको ना अच्छे से साउंड का बेस का पता चलेगा, अदरवाइज आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ना अब ये देखो कैसा लुक आ रहा है, काफी ये छोटू सा लग रहा है और इसके मुकाबले में, ठीक है। और ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह लगा दिया ताकि इसको चला सको, क्योंकि इसकी वायर थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ से ये ऑन हो चुका है, देखो कुछ इस टाइप से ब्लूटूथ स्मेल, तो काफी अच्छा साउंड है यार इसका भी, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अब देखने वाले हैं कि बेस किसका अच्छा है, क्वालिटी किसके अंदर ज्यादा है। तो फटाफट से इसको देखने के लिए यहाँ पे इसको फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये मेरे को आप कमेंट करके बताना कि आपको किसका अच्छा लगा, लास्ट में मैं भी बताऊंगा कि मेरे को किसका साउंड क्वालिटी ज्यादा अच्छा लगा। चलो प्ले करता हूँ, तो देखो यहाँ 57 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चला दी है, साउंड जो है ना वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, देखो बेस चल रहा है इसका काफी अच्छा, देखो मतलब हर एक चीज के अंदर ना थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आ रही है काफी ज्यादा, पर मैं अभी थोड़ा लाउड करता हूँ, देख रहे हो एक बार इसका सब ऊपर देखो। तो चलो म्यूजिक प्ले करता हूं, देखो मैंने ये वाला टावर स्पीकर अटैच कर लिया, चलो प्ले करता हूं। ये देखो भाई साहब, तो भाई साहब बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, इसका बेस क्वालिटी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि एकदम नया सबवूफर है, तो स्पाइडर बहुत ही टाइट है, अभी जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा डीप बेस देने वाला है, और अभी तो नया है, तो नए में भाई साहब इतना ज्यादा अच्छा साउंड दे रहा, तो जब इसको थोड़े टाइम हो जाएगा, कुछ मंथ हो जाएंगे, तो सोचो यार कितना अच्छा काम करेगा। अभी आपको ना इस टावर स्पीकर के अंदर पंजाबी म्यूजिक चला के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसके अंदर भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने जो ना एक काफी अच्छा सॉन्ग जो है ना यहाँ पे चूज किया है, और ये पंजाबी भी है और साथ में नो कॉपीराइट भी है, तो होप कॉपीराइट ना आए, ठीक है। करता हूं। तो अब देख रहे बहुत ही अच्छा साउंड आएगा और आपको अच्छे से फील भी होगा। भाई साहब ये देखो, आवाज यहाँ पे बढ़ाता जाऊं, सोनी
दोनों के टावर स्पीकर के साउंड के मुकाबला एकदम बराबर गए और सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है दोनों का साउंड ही। बट यहाँ पे एक चीज बता दूं, अब यहाँ पे ना नए के हिसाब से इसका बेस काफी अच्छा है, ये यहाँ पे काफी पुराना हो चुका है, इसलिए जो ना इसका बेस काफी ज्यादा होना चाहिए और है भी, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे इसके बराबर ही ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि ये नया है और ये पुराना है, तो पुराने का बेस अच्छा होता है ज्यादा और ये ऑलमोस्ट सेम ही दे रहा है, तो सोचो जब इसको काफी टाइम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना अच्छा बेस देगा। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इसका बेस सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दूसरा म्यूजिक चला के दिखा रहा हूँ पंजाबी, और पहले मैं आपको इसके अंदर चला के दिखाऊंगा अब के टाइम, और उसके बाद आपको इसके अंदर चला के दिखाऊंगा। चलो प्ले करता हूँ म्यूजिक को। साउंड क्वालिटी की बात करूं यहाँ पे इसका साउंड भी काफी अच्छा है, बट इसको काफी टाइम हो चुका है तो इसलिए थोड़ी सी ज्यादा डीप बेस दे रहा है, बट ये अभी गए ना नया है तो इसका स्पाइडर थोड़ा सा टाइट है जिस वजह से ज्यादा लो पास नहीं दे रहा, और बट हाँ इसका बेस भी काफी अच्छा है, जैसे जैसा ये पुराना तो जाएगा वैसे वैसे इसका डीप बेस और भी ज्यादा हो जाएगा और भी ज्यादा लो पास देगा तो और भी फील होगा ठीक है। तो दोनों का साउंड के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है, और आपको कैसा लगा दोनों का साउंड क्वालिटी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बट अगर आप दोनों में से अगर आप खरीदना चाहते हो या फिर बनाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ आप खुद घर पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बनाओगे तो आपका काफी फायदा भी हो जाएगा, काफी सस्ते में बन जाएगा और गाइस आपको बनाने में मजा भी आएगा, बट दिक्कत ये कि मेहनत करनी पड़ेगी बनाने में। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलता आपको नए ब्लॉग के अंदर, और आने वाले ब्लॉग के अंदर क्या देखना चाहोगे कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।